हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन प्रोसेस में अपने नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट और जो है आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट। दो चीजें हम लोग आज जानेंगे, एक डायरेक्शन टेस्ट और दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट। डायरेक्शन टेस्ट और सेकंड है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। अब इन दोनों बातों में बारी बारी करके हम चीज़ों को जानते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में कोई बहुत बड़ी बातें बढ़ते नहीं हैं, अब तक हम लोगों ने बस एक चैप्टर एक दिन में कवर किया है, लेकिन आज जो है ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक साथ हम दो चैप्टर निपटाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट में अगर देखा जाए तो हमेशा जो है आप डायरेक्शन इधर क्या लेंगे, ईस्ट, और इधर ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ लेंगे आप नॉर्थ और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ। अगर आप इसको देखें तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जो है साउथ ईस्ट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसे इसे बोलेंगे आप जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये सारी बातें हैं, जो जिधर जाएगा हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पे हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। और जो है बस इतनी ही बातें हैं इसमें, बाकी सारी बातें हम जो है सवालों के साथ करेंगे, फिर चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, देखिए उसके बाद फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, तीन तरीके के अरेंजमेंट हैं आपको जो पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन में सबको बैठाया जाएगा, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट है जो है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। और तीसरा अरेंजमेंट है आपका पॉलीगॉन अरेंजमेंट। तीसरा अरेंजमेंट क्या है, पॉलीगॉन अरेंजमेंट, पॉलीगॉन अरेंजमेंट। ये तीन तरीके के अरेंजमेंट है आपको। लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन पे बैठाया जाएगा, लाइन में ही बताएगा कि आपको लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ खास बातें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको यहां बैठा दिया जाए तो खुद यहां सपोज करके देखिए, खुद को यहां सपोज करके देखिए, यहीं पे अपने खुद को बैठा हुआ समझिए, तो आप क्या समझ पाएंगे कि आपके जस्ट लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट साइड जो है किधर होगी, लेफ्ट साइड आपकी इधर होगी, ठीक है, ये होगा आपका लेफ्ट ना, और उसके बाद साइड जो होगा आपका वो होगा क्या, राइट। तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में आप हमेशा कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। मान लीजिए आप यहाँ जैसे बैठे हैं तो यहीं पे बैठा हुआ खुद को सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आप बैठे हुए अगर सपोज करेंगे खुद को तो क्या पाएंगे। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस जो है घुमाते हुए ऐसे भी पूछ लेता है कि आप जो है इस तरफ मुंह किए हैं ना, किसी डायरेक्शन में बता देगा कि उस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो फिर डायरेक्शन बदल जाती है। तो जैसा क्वेश्चन कहता है हम उसी हिसाब से सोचेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल इतना जानते रहिए कि इधर जो है लेफ्ट और इधर राइट, या हम जो है क्वेश्चन आते ही खुद को जो है वहां पे सपोज करके, खुद के साथ सपोज करके देख लेंगे, तो जो भी नाम दिया रहेगा वो हो जाएगा। फिर पॉलीगॉन अरेंजमेंट, पॉलीगॉन में बताएगा कि इस साइड पे ये है, इस वर्टेक्स पे ये है, ऐसे वगैरह जो है, जो भी बातें रहेंगी वो सारी बातें जो है डिस्कस कर ली जाएंगी। तो ये दो काम हम आज करते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे की बढ़ते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन उठाते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और चीजों को जो है और गहराई के साथ समझते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चन, इनको देखिए। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मोहन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अगर हम बनाए अपना डायरेक्शन टेस्ट बनाए तो हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर जाता है साउथ की तरफ, ओके, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ऊपर नीचे है साउथ, 1 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब उसके बाद फिर किधर घूम रहा है, लेफ्ट की तरफ, मतलब इस साइड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, वॉक्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला, देन टर्न्स अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, फिर से घूमता है, लेफ्ट में ही घूमता है, बोला नहीं तो समझ जाइए कि लेफ्ट में ही घूमता है, यहां से लेफ्ट में घूमेगा मतलब इधर घूमेगा, 1 किलोमीटर,
1 किलोमीटर। अब उसके बाद वो किस डायरेक्शन में आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पहुंच चुका है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन है। तो आप यहाँ जवाब क्या दोगे, ईस्ट की तरफ है। अब ठीक है, ही इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट कह रहा है क्या, क्वेश्चन बस पढ़िए, उसके बाद जैसे ही बोल रहा है वैसे काम करते चले आइए। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अरुण ने कहा से स्टार्ट किया है, फ्रॉम पॉइंट ए और वॉक्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यहाँ आ गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर आ गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, टर्नड नॉर्थ एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। यहां से चला 3 किलोमीटर, चला यहां तक, मान लीजिए आया पॉइंट बी तक, आया ए था, अब ये क्या हो गया पॉइंट सी। देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्ड 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। वेस्ट में घूम गया, वेस्ट में, और 12 किलोमीटर आया पॉइंट डी की तरफ, ना? ये है 12 किलोमीटर। अब जो है देन अगेन टर्न्ड एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर, फिर से घूमा और कितना चला 3 किलोमीटर, यहां तक आ गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पॉइंट ई यहां पे, ना? तो क्या हो गया है, पहले ए से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद घूमा नॉर्थ की तरफ, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद घूमा वेस्ट की तरफ, 12 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद घूमा किधर की तरफ, डी के बाद वो किधर घूम रहा है, अगेन टर्न एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। अब वो स्टार्टिंग से किस पोजीशन पे है, स्टार्टिंग से वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आप क्या बोल देंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब आपका जो है अरुण का किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, इस तरीके से हम काम करेंगे, जैसे सवाल बोल रहा है उसी तरीके से बातों को समझेंगे, उसके बाद जो है आगे के प्रोसेस में बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं और ए इज राइट टू बी एंड ई इज लेफ्ट टू सी। अच्छा, ए इज राइट टू बी एंड ई इज लेफ्ट टू सी एंड राइट टू ए, व्हिच हाउस इज इन मिडिल। देख लेते हैं, 5 हाउस बना दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5 बन गए। ए इज राइट टू बी, ए इज राइट टू बी, तो डेफिनेटली बी अगर इधर होगा तो ए यहां होगा, बी यहां होगा तो ए यहां होगा, बी यहां होगा तो ए यहां होगा, बी यहां होगा तो ए यहां होगा। लेकिन एक बात और है, उसको भी देखिए, ए इज लेफ्ट टू सी एंड राइट टू ए, ई जो है लेफ्ट टू सी है, राइट टू ए है, तो डेफिनेटली ए यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहां होगा तो इसके राइट में जो है ई कैसे हो सकता है ना? तो ए को कहां होना चाहिए, बी इज लेफ्ट राइट, ए इज राइट टू बी, ठीक है, ए इज राइट टू बी, बी इज सी इज, हम ऐसे मिटा के अरेंजमेंट बनाएंगे, ई इज लेफ्ट टू सी, ई इज लेफ्ट टू सी एंड राइट टू ए। अच्छा, ई इज लेफ्ट टू सी एंड राइट टू ए, ए जो है वो बी के राइट में है, ई इज लेफ्ट टू सी एंड राइट टू ए, लेफ्ट टू सी राइट ऑफ ए, ए इज राइट टू बी, तो बना दीजिए वैसे ही, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है, ए के राइट में अगर ई को यहां रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी के लेफ्ट में है, सी को यहां रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे हमने डी को रख दिया। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है एक अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट कुछ और बनाते हैं, जैसे ए को अगर मान लीजिए यहां रख दिया तो बी को यहां रख दें तो हो गया ए इज राइट टू बी, ए इज राइट टू बी, और उसके बाद क्या है,
ई इज लेफ्ट टू सी, यहां रख दिया सी को, ई जो है सी के लेफ्ट में है और राइट में है ए के, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हम डी को रख सकते हैं। तो ये इतनी अरेंजमेंट हमारी बन सकती है। तो आपका जो है पहले वाले अरेंजमेंट में मिडिल में कौन आ रहा है, ई, ई किसी ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले अरेंजमेंट में मिडिल में कौन आ रहा है, ए, तो ए ऑप्शन है आपके पास, तो ए को हम करेक्ट मार देंगे। उसके बाद क्या है, गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, क्यू इज लेफ्ट टू आर, क्यू किसके लेफ्ट में है, आर के लेफ्ट में है, क्यू इज लेफ्ट टू आर एंड बट ऑन राइट टू ऑफ पी, आर के लेफ्ट में है लेकिन पी के राइट में है, पी के राइट में है, आर के लेफ्ट में है क्यू, ठीक है। अब उसके बाद यस इज राइट ऑफ आर या बट लेफ्ट ऑफ टी, यस इज राइट ऑफ आर, यस आर के राइट में है बट लेफ्ट ऑफ टी, एक अरेंजमेंट आपका ये बन सकता है। हु आर द एक्सट्रीमिटीज, तो पी और टी एक्सट्रीमिटीज है, सीधे सीधे मिल चुका है, हाँ बिल्कुल एकदम सीधा अरेंजमेंट था, पी और टी एक्सट्रीमिटीज, बस सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, फाइव फ्रेंड पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, पांच दोस्त हैं पी क्यू आर एस टी बेंच पे बैठ रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, सबके सब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है। चलिए चेक करते हैं, सबका मुंह किधर है, उधर की तरफ है ना, सबका मुंह इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, पांच दोस्त हैं, तीन चार पांच, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एस टी और क्यू के बीच में है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट टू आर एंड पी इज इमीडिएट लेफ्ट टू टी। अगर यहां से देखा जाए ऐसे बैठे तो लेफ्ट में इस डायरेक्शन में लेफ्ट जाएगा, इस डायरेक्शन में राइट जाएगा। चलिए देखते हैं, हु इज इन द मिडिल, जरा दिमाग लगाइए, देखिए क्या कह रहा है, यस इज बिटवीन टी एंड क्यू, तो टी क्यू अगर यहां रख देते हैं तो यस यहां आएगा। चलिए और देखते हैं, यहां भी हम टी क्यू रख सकते हैं तो यस यहां आएगा, यहां टी क्यू रख सकते हैं तो यस यहां आएगा, तीन पोजिशन पॉसिबल है। लेकिन कुछ और बात है, Q is immediate left to R. Q is immediate left to R. तो यहां जो है R के लेफ्ट में हो गया Q, ठीक है। P is immediate left to T. P is immediate left to T. P को जो है T के लेफ्ट में बना दीजिए, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए कौन मिडिल में है, बिल्कुल यस मिडिल में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, धीरे धीरे बातों को समझेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग, और उसके बाद दो क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग ऑन अ क्लोज्ड सर्कल फेसिंग सेंटर, सेंटर को फेस करते हुए छह दोस्त बना दीजिए, ए बी सी डी ई और एफ, नाम नहीं देते हैं, सॉरी नाम देने के लिए, ए बी सी डी ई एफ, पांच छह दोस्त हैं, छह के लिए प्लेस बना दिया है हमने, ई इज लेफ्ट ऑफ डी, ए बी सी डी हाँ आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग सेंटर, ओके, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, E किसके लेफ्ट में है, D के लेफ्ट में है, C इज बिटवीन A एंड B, अगर A और B को हम यहां रख दें, यहां रख दें तो C क्या है, बिटवीन है उसके, F इज बिटवीन E एंड A, F इज बिटवीन E एंड A, चलिए E यहां रख दिया, F को यहां रख दिया, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, E इज लेफ्ट ऑफ D, E इज लेफ्ट ऑफ D, अब हमें पता है कि जो है मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज हो तो लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो राइट होता है, ई इज लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, इस डायरेक्शन में है, ई इज लेफ्ट ऑफ डी, सीधी सी बात है, सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका है ना। तो अगर इसके हिसाब से देखें, हु इज लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है, तो बी के लेफ्ट में कौन है, आप तुरंत देखेंगे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तुरंत मिलेगा आपको क्या डी। ठीक है, हु इज राइट ऑफ सी, और सी के राइट में कौन है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए जो है सी के राइट में है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हम और भी प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और धीरे धीरे उनको सॉल्व करते हैं, चीजों को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सारा मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए ये कुछ और नए नए सवाल क्या कह रहा है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स एंड गोज 10 मीटर। फेसिंग ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, चलिए इधर की तरफ जा रहा था, टर्न्स एंड गोज 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न हाँ 10 मीटर, 10 मीटर इसको घुमा दीजिए, एंड देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, इधर की तरफ मुंह किया था, 10 मीटर यहां आया और यहां से जो है राइट साइड में 5 मीटर, राइट साइड में इसको 5 मीटर पहुंचा दिया। ठीक है, एंड देन गोज 5 मीटर टू साउथ, 5 मीटर इसका जस्ट हाफ, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, एंड देन 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 5 मीटर आया, यहां पहुंच गया। अब उसके बाद ओरिजिनल से वो किस पोजीशन में है, ओरिजिनली वो यहां पे था, इस साइड में है, मतलब कौन सी साइड है ये, बिल्कुल नॉर्थ है, तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो आदमी है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ कई सवाल जो है पूछे गए हैं। अब ऐसे केसेस में अगर आपने जो है एक बार गुत्थी सुलझा ली रीजनिंग की, तो उसके बाद आपका एक साथ कई क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाना है ना। जैसे 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ रो 3 in each ना, सिटिंग इन 2 रोज 3 in each, 2 रो बना लिए, 3 3 लोग सब में है, ओके चलिए 3 3 लोग सब में है, ये काम कर लिया। टी इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, टी जो है दोनों में से किसी के एंड पे नहीं है, मतलब टी या तो यहां है या तो यहां है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यस इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में है, मतलब या तो यस यहां होगा या तो यस यहां है। ठीक है, यू या फिर यहां या फिर यहां। उसके बाद भी कुछ कह रहा है क्या, आर इज नेवर ऑफ टी, आर जो है क्या है, टी का नेवर है, मतलब या तो आर इसमें कहीं हो सकता है या फिर इसमें कहीं होगा, तो डेफिनेटली जहां आर होगा वहां पे क्या होगा, टी नहीं होगा, सॉरी यस और यू नहीं होंगे ना, क्योंकि यू क्या है, वो सेकंड लेफ्ट में है, डायगोनली अपोजिट टू यस, आर इज नेवर ऑफ टी, टी का नेवर है और डायगोनली अपोजिट है यस के। चलिए मान लीजिए अगर हमने टी को यहां पे रख दिया तो डेफिनेटली यू और यस यहां होंगे, ओके इसके डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट का मतलब यहां पे मान लीजिए हमने रख दिया आर को, यस के डायगोनली अपोजिट और ये टी का नेबर है। क्यू इज नेबर ऑफ यू, क्यू जो है यू का नेबर है, चलिए यहां पुट कर दिया क्यू को, क्यू इज नेबर ऑफ यू, एक ही लोग बचे हैं पी, जो बचा प्लेस वहीं पे पी को पुट कर दीजिए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, कौन एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, जरा देखिए यहां पे, तो बिल्कुल यस और आर ये डायगोनली अपोजिट है, यस और आर कहीं दिया नहीं है। ठीक है, और एक और डायगोनली अपोजिट है पी और यू, तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट हैं, तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, पी एंड यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग इन द सेम रो, पी एंड टी, बिल्कुल पी और टी सेम में है, ये और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, टी एंड एस, टी एंड यस, टी एंड यस, टी एंड यस नहीं सेम में नहीं है, आर एंड क्यू, आर क्यू भी सेम में नहीं है, पी एंड क्यू एंड टी जो है आपका करेक्ट है ना, पी एंड टी आपका करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, कौन दोनों में से किसी में है, यू क्यू आर, यू क्यू आर नहीं है, आर टी क्यू, आर टी क्यू नहीं है, ठीक है, यस क्यू यू, यस क्यू यू, हाँ इधर है ना पहली वाली रो में, यस क्यू यू,
अच्छा, क्या कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग यस विथ टी, एस को टी के साथ आपस में बदल दिया जाए, व्हिच वन विल बी व्हेन विल बी नेबर ऑफ यस इन न्यू पोजीशन। तो यस के नेबर कौन कौन होंगे अगर यस और टी को आपस में बदल दिया जाए, ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा, पी और आर यस के नए नेबर हो जाएंगे ना, पी और आर। यू एंड क्यू तो होंगे नहीं, डेफिनेटली आर एंड पी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। एक बार आप जो है सीटिंग का अरेंजमेंट बना लीजिए, उसके बाद फिर सारा काम जो है कई सारे क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाने हैं, तो मजेदार चीजें हैं ना। और भी सारे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको प्रैक्टिस में ला लीजिए, जितना फास्ट आपका काम होगा उतना ही काम करने में मजा आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।